बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? वेलकम है आप लोगों का होम में कुकिंग विद नाना फूड में। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सी लाइट सा एक सैंडविच जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। ठीक है, ये बिल्कुल गजाइत से भरा हुआ है। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी क्लिक कर लें। ठीक हो गया, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे सब्जियाँ जो ऐड की हैं वो मैंने बंद गोभी बारीक कटी की हुई थी। ठीक है, अच्छे से इसके साथ ये मैंने खीरे जो है ना वो कट किए हुए हैं। ठीक है, तो देन ये टमाटर हैं वो ऐड कर लिए हैं, और यहाँ पे आलू जो बॉईल किए हुए थे वो थोड़े से ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब इन सबको मिक्स करना है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मायोनीज जो है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसमें मायोनीज हम ऐड करेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छा सा टेंडर सा बन जाएगा। और इसके साथ ही मैंने ब्लैक पेपर और नमक जो है ना वो ऐड कर दिया हसबी ज़रूरत जो है। ठीक है, अब सारा इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा एक तरफ से हमारा ये बैटर जो है ना बहुत अच्छा सा बन जाएगा। ठीक है, और ये सैंडविच बहुत हेल्थी होगा, क्योंकि देखना जो वेजिटेबल मैंने ऐड किए हैं वो कितनी हेल्थी हैं। ठीक हो गया, तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी और मायोनीज जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। तो चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब जो है ना वो तो बनता है, लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्रेड ले रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिए और यहाँ पे मैं इनकी कटिंग करूँगी। ठीक हो गया, जो ना इसके ये वाले पार्ट्स में हम इसके रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ये ब्रेड क्रम में हमारे काम आ जाएंगे, ये वेस्ट नहीं जाएंगे, किसी और रेसिपी में मैं इस्तेमाल कर लूँगी इसे। तो इसकी चारों साइड जो ना वो मैंने कट कर लिए हैं। ठीक है, माशाल्लाह से देखे मैंने कट कर लिए हैं। अब मैंने दो जो है ना पीसेस वो मैंने रख दिए हैं। ठीक है, और इस पर मैं अब लगा रही हूँ ये सारा जो मैंने बैटर बनाया हुआ था वो मैं इस पर रख रही हूँ। ठीक है, बहुत स्लाइट सा है। ठीक है, आपको हल्की फुल्की भूख लग रही है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर इसको खा सकते हैं, और बिल्कुल इसी सा बन जाता है। ये बाज़ बच्चे जो है ना नहीं खा रहे होते ऐसे, जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो गई तो फिर ये जो है ना बहुत ही मज़े से बन जाता है। ठीक है, अब ये मैंने इसके ऊपर दूसरी जो है ना इसका स्लाइस था वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं दरमियान से। ठीक है, और एक और चीज़ अगर हम लोगों ने क्या करना हो कि दोबारा इसकी एक और लेयर मतलब चार पीसेस की बनानी हो तो फिर एक पूरा बहुत ही अच्छे सा बन जाता है। ठीक है, मैंने अभी ये कटिंग की है तो अब इस तरह से मैं बाकी जो है ना इसके ऊपर भी मैं ऐड कर दूँगी ये, क्योंकि हमने अपना वेस्ट नहीं करना जो मटेरियल हमने बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसके ऊपर भी एक कर दिया। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से ये चार पीसेस का मतलब ये प्योर बन गया पूरा। ठीक है, अपने बच्चों को आप दे सकते हैं टिफ़िन बॉक्स में इस तरह से आराम से कि वो इजीली खा सकें। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने बाकी भी जो है ना दूसरा पीस भी वो भी इस तरह से कर रही हूँ, और ये मेरे बन गए हुए थे दो पीसेस के आस इसका ये सैंडविच बहुत मज़े के यम्मी बन गया हुआ था। ठीक है, मैंने इसको ट्रे में सर्व कर दिया। ठीक है, मायोनीज वाले ये सैंडविच बन गए हैं। तो अब यहाँ पे देख के इसको आप जिस तरह से भी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, लंच बॉक्स में जैसे भी आप लेके जाना चाहें इसे ले जा सकते हैं, बहुत ही यम्मी से हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ठीक हो गया, रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मायोनीज के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ, मायोनीज के साथ इसको सर्व करें, और इसके साथ आप बहुत ही यम्मी से और टेस्टी बनते हैं। ठीक है, और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, दुआ में याद रखें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये सैंडविच है आप लोगों के लिए। ठीक है।